नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लासी मीडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुशर्रफ राणा। चलिए शुरुआत करते हैं बिग बुलेटिन की खबरों के साथ। फारुखाबाद में महिला को शातिर अपराधी ने शराब के नशे में गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। गांव वालों के देखने पर उसने खुद को भी गोली मार ली, जिससे दोनों की मौत हो गई। जिसके बाद पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल मिश्रा एवं अपर पुलिस अधीक्षक त्रिभुवन सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। दोनों मृतकों के शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। पेशेंट पुलिस मेरे पास तकरीबन 4:45 के आसपास लेके आई थी, तो मैंने इसको एग्जामिन करने के बाद मृत घोषित कर दिया। और जो मरीज़ था एटा का रहने वाला था, नावर गांव का, तो ऐसा सुनने में आ रहा है। ये सब क्या लग रहा है आपका, क्या गोली वोली लगी है, क्या था? हाँ, उसको गोली, उसने अपने आप से शायद खुद से गोली मारी है, इस तरीके से लगा एग्जाम करने के बाद। कहाँ पर लगी सर? उसके सर में गोली लगी थी, तो काफ़ी पार्ट जो है डैमेज था उसका, सर का। कायमगंज थाना क्षेत्र के सोदेपुर गांव में एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मौके पर देखने पर ये पता चल रहा है कि एक परिचय का रिश्तेदार ही व्यक्ति था जिसने आकर के गोली मारी। कुछ पारिवारिक बातें या उनके संबंधों की बात है, वो चीज़ें बाद में डेवलप होंगी। अभी तक की जानकारी के अनुसार गोली मारने के बाद वो भागा, भागने के बाद नहर के किनारे आया, जहां गांव वालों से घिरा अपने को पाकर के खुद को उसने गोली मार दी। उसे CSC भेजा गया है और महिला की मौके पर मौत हो गई है। इसमें बेटा पंचायतनामा इत्यादि की आगे कार्रवाई की जा रही है, मुकदमा पंजीकृत कर इसमें आवश्यक विधि कार्रवाई की गई। अभी